नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब गर्मी में बचे होंगे और आप अपने घरों में सभी सेफ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई नई भर्ती लेके आता रहता हूं, तो आज मैं फिर एक बार आपके लिए जो भर्ती की बात करने जा रहा हूं वो है BTSC बिहार IT इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2023 के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही इसका स्कोर कार्ड जारी हो गया है और ये भी पता है कि इसका स्कोर कार्ड जो है कितनी अड़चनों के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद जारी हुआ है। कोर्ट केस हुए, हाई कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, SLP दायर हुई, सब कुछ कैंडिडेट के हक में हुआ और कैंडिडेट हक के हक में ये केस जीतने के बाद सभी का जो संयोग रहा वो अच्छा रहा, जिसके कारण ये केस कैंडिडेट के हक में हुआ है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों मेरिट के बारे में। आज मेरिट के बारे में मैं अक्सर ही आपको बताता रहता हूं, पहले ही मैंने बताया था कि डिप्लोमा, बीटेक डिग्री, ITI विद CITS जो कैंडिडेट जिनके नंबर 40 आ चुके हैं कैटेगरी में अलग अलग, कहने का मतलब कि जो कैंडिडेट पास मार्क्स ले चुके हैं विद CITS है, उनको ये इंस्ट्रक्टर की नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। उनका नंबर हर हालत में आएगा ही आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, ज्यादा नहीं। प्रॉब्लम की बात मतलब ये रहेगी कि कुछ ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन ट्रेडों में जिन कैंडिडेट के नंबर 45 प्लस होंगे विद CITS होंगे उनको ये नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि इन ट्रेडों में थोड़ा कंपटीशन रहने वाला है। और जिन जो कैंडिडेट विदाउट CITS रहेंगे, आपको पता है कि मेरिट जो इसका बनना था वो 30-20 के हिसाब से बनना था। एग्जाम में जो नंबर प्राप्त किए हैं आपने उसके जो नंबर मेरिट में प्लस होने हैं वो है 50%। मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट के नंबर 50 आए हुए हैं, एक नॉन CITS वाला कैंडिडेट है उसके नंबर 50 आए हुए हैं, एग्जाम में उसके नंबर जुड़ेंगे 25 नंबर उसके प्लस होंगे। अगर उसके पास CITS नहीं है तो ओनली 25 नंबर रहेंगे। कोई कैंडिडेट है जिसके नंबर 40 आए हुए हैं विद CITS हैं, उसके नंबर 20 एग्जाम में प्लस हो जाएंगे, 30 और 20 CITS विद ITI के नंबर जो है, अगर उन नंबरों की बात करें तो उनके जो नंबर है टोटल 50 से प्लस बनेंगे, 55 के प्लस ही नंबर उनके बनेंगे। इसके कारण अगर CITS वाला लड़का कोई भी हो उसके नंबर पास मार्क्स हैं और उसका नंबर आएगा, विदाउट CITS वाले का नंबर अगर सीट बच जाती है उनके बाद तो विदाउट CITS वाले का नंबर इसमें आएगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो जो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते वक्त आपने अपलोड किए थे वो ही डॉक्यूमेंट यहां पे मांगे जाएंगे काउंसलिंग के समय। जैसे कि आपका 10th का, प्लस 2 का, ITI का, डिप्लोमे का, बीटेक का, CITS का, अप्रेंटिसशिप का और एक्सपीरियंस का, सभी के पास ही वो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे
जो यहां पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आएगी तो वो आएगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में मैं उन कैंडिडेट को बताना चाहता हूं जिनने जिन्होंने ऐसे ही किसी भी प्राइवेट आईटीआई से या फिर किसी इंडस्ट्री से वैसे ही एक्सपीरियंस लगा के फॉर्म भर दिया था कि वो जो आपने एक्सपीरियंस वहां पर लगाया था वो एकदम गलत है। अगर आपके पास उस एक्सपीरियंस का पूरा रिकॉर्ड है, जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर, मान लो 3 साल का आपने एक्सपीरियंस वहां पे लगाया है तो 3 साल की अटेंडेंस रजिस्टर वहां पे होना चाहिए आपका। सैलरी की स्लिप होनी चाहिए या अकाउंट में उसकी सैलरी आई होनी चाहिए। प्रॉपर उसका रिकॉर्ड जो जहां से एक्सपीरियंस है, चाहे इंडस्ट्री चाहे आईटी से, वहां पर उसका रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। पोर्टल पर भी उसका नाम जरूर होना चाहिए दोस्तों। अगर किसी के पास ऐसा नहीं है तो वो एक्सपीरियंस जेन्युइन नहीं माना जाएगा, वो एक्सपीरियंस गलत माना जाएगा। मैं ऐसे कैंडिडेट को कहना चाहूंगा कि वो अगर एग्जाम में उनके अच्छे नंबर आ चुके हैं, चाहे वो सीआईटीस है चाहे नहीं है, वो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए मत जाएं, क्योंकि साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया था कि अगर किसी भी कैंडिडेट का कोई भी डॉक्यूमेंट फेक पाया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को ये पता होगा कि हर स्टेट में एक्सपीरियंस जो है आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए वो जेन्युइन नहीं पाए जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनके एक्सपीरियंस फेक पाए जाते हैं। जैसे कि पहले भी हरियाणा में भी वो लड़के बाहर हुए हैं, पंजाब में भी इन भर्तियों के बाद बाहर हुए हैं, और आपको भी पता होगा कि शायद आप किसी और स्टेट से भी लड़के बाहर हुए होंगे। अगर आप कैसे ना कैसे वहां पे लग जाते हो, ज्वाइन कर लेते हो, फिर भी आप पर जो है वो जांच चलती रहेगी और आपको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। आपकी नौकरी भी जाएगी और आप आगे से भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके कारण मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप गलत काम प्लीज मत करना दोस्तों। और आगे बात करते हैं दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑब्जेक्शन के बारे में जो आंसर की आई थी उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज के लिए मांगा गया था और कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, फीस भी भरी थी, उनका क्या हुआ? पिछली मैंने वीडियो में बताया था और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिनके कमेंट आए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे तो नंबर उसमें प्लस हो गए, कुछ बोल रहे नहीं हुए। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के नंबर प्लस हो जाए किसी के नहीं हो। ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद आंसर की जो है दोबारा जारी होती है। किसी को ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपके जो ऑब्जेक्शन किया है वो कैसे है, ठीक है या गलत है? आंसर की उसकी हर स्टेट में ही दोबारा जारी होनी बनती है, फिर ही आपको पता चलता कि आपने जो ऑब्जेक्शन किया है वो आपका क्वेश्चन जो सही है या गलत है। इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, सीधा स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर कुछ पॉइंट पर अड़के हुए हैं, वो कुछ पॉइंट पर नॉट क्वालिफाइड हुए हैं और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी रेज किए हुए हैं। अगर उनके ऑब्जेक्शन रेज वाले क्वेश्चन सही है तो उनको भी जॉब ये मिल सकती है। मैं ऐसे कैंडिडेट को बोलना चाहूंगा वो एकजुट होकर इकट्ठा होकर सभी बीटीएससी में जाएं और उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं वो कर पाते, फिर नहीं मानते, तो अगर फिर उनको अपनी जॉब के लिए कोई ना कोई अगली कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि जो उनको भी ये जॉब मिल सके। क्योंकि इसमें जिस कैंडिडेट ने मेहनत की है
उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने सरकार के द्वारा जो फीस रखी थी वो फीस भी भरी हुई है। हर क्वेश्चन की 200 रुपए फीस रखी थी, वो फीस भी उन्होंने भरी हुई है। और ऐसे क्वेश्चन जो फीस वो ही भरता है जिसको होता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर उनके क्वेश्चन सही हैं और एक दो नंबर उनके कम हो रहे हैं, ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं, मैं ऐसे कैंडिडेट को बोलना चाहूँगा कि वो BTSC में जाकर उनसे जरूर बात करें। अगर नहीं बात कर बनती तो फिर कुछ ना कुछ वो नेक्स्ट स्टेप जरूर अपनाएं इसके लिए, क्योंकि ये जो जॉब का अवसर होता है ये हर बार नहीं मिलता है। इसके लिए आपको जरूर लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। इसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज में जो किए हैं उन लोगों को मैं फिर बोलना चाहूँगा कि वो लोग एक बार फिर संघर्ष करें इसके लिए, ताजो उनको इस ऑब्जेक्शन रेज वाले क्वेश्चन के नंबर मिल सके, आंसर की इसका दोबारा जारी हो सके, तो आप भी उन एग्जाम जो है क्लियर कर पाए। और इसके जो नंबर हैं बाद अगर आंसर की दोबारा जारी होता है आपके एक एक दो दो नंबर बढ़ते हैं तो स्कोर कार्ड में आपके नंबर प्लस होके दोबारा स्कोर कार्ड भी आपका जारी होगा। आप ऑब्जेक्शन रेज के लिए जरूर संघर्ष करें। मैं फिर बोलना चाहूँगा कि अगर जिस कैंडिडेट के नंबर एक दो कम हैं और ऑब्जेक्शन रेज के लिए फीस भरी हुई है, ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं और नेट पे चेक करने के बाद उसका आंसर ठीक आ रहा है, तो आप इसके लिए जरूर संघर्ष करें। संघर्ष करने के बाद आपको जरूर जॉब यहाँ पे मिल सकती है दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए, आपको जॉब मिलेगी, लगे रहिए, ऑब्जेक्शन वाले कैंडिडेट जरूर लगे रहिए। मैं इस वीडियो में एक आपको व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ऑब्जेक्शन रेज के लिए, जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए थे उन्होंने मेरे पास एक लिंक भेजा है, मैं वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो, और आप वहाँ पे जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद आप उनसे बातचीत कर लेना कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आपके लिए व्हाट्सएप का जो लिंक हुआ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ पे आप उनसे बात करते रहना और नेक्स्ट जो संघर्ष है वो करना। उम्मीद कभी मत छोड़ना, जितना टाइम ये भर्ती नहीं हो रही आप वहाँ उतना टाइम तक संघर्ष करते रहिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।